बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने नए डिजिटल पाकिस्तान की बुनियाद रखी है और एक ऐसा पाकिस्तान जो जदीद टेक्नोलॉजी के साथ जुड़ा, जो बैन-अल-अक़वामी तकाज़ों के हमाहंग, जो दुनिया के अंदर तेज़ रफ्तार होने वाली तरक्की को पाकिस्तान के वो तमाम पोटेंशियल ऑप्शंस अपॉर्चुनिटीज़ के साथ जोड़ता हुआ डिजिटल पाकिस्तान, नया पाकिस्तान जिसकी बुनियाद पे पांच पैरामीटर जो हैं उनका तय्यून किया गया है। और ये नए पाकिस्तान का जो डिजिटल पाकिस्तान है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के विजन की अक्कासी करते हुए एक्सेस एंड कनेक्टिविटी, यानी आपका और हमारा आवाम से जो रिश्ता है वो डिजिटल पाकिस्तान में और ज़्यादा मुअस्सर और मज़बूत होगा। और इसके ज़रिए जो इंटरनेट है उसकी रसाई पाकिस्तान के कोने कोने तक पहुंचाई जाएगी और राइट टू एक्सेस टू इंफॉर्मेशन और राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच जो हर पाकिस्तानी का हक है, इस प्रोग्राम के ज़रिए यकीनी बनाया गया है। फिर इस नए पाकिस्तान का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिजिटलाइज करके एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ज़रिए एक मजबूत, रोशन, तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान जो है उसकी बुनियाद रखी गई है। ई गवर्नेंस के ज़रिए जो हमारा 3 ट्रिलियन का परचेज मैकेनिज्म जो था, जो टेंडरिंग के ज़रिए हम कोई 3 ट्रिलियन की सालाना परचेज होती थी पूरे पाकिस्तान में सूबाई हुकूमतों के मिला के रुपीस, उसमें आप ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने जा रहे हैं। और ई गवर्नेंस में जब पेपरलेस गवर्नमेंट होगी जिसके अंदर ये फाइलों का अंबार और लूपहोल्स, मैनोवरिंग, मैनिपुलेशन, वो सारी मैन हैंडलिंग के साथ जुड़ा सिस्टम आप ऑटोमेशन पे ले जा रहे हैं और इसको फिर आप जो पाकिस्तान का जो सेकंड वो हाईएस्ट कंट्री है जिसका पोटेंशियल जो है वो यूथ पे है, उसको आप डिजिटल स्किलिंग एंड लिटरेसी से जोड़ने जा रहे हैं। और 25,000 आईटी एक्सपर्ट जो हैं वो हर साल पाकिस्तान पैदा करता है, लेकिन कैपेसिटी बिल्डिंग, प्रॉपर प्रोफेशनल स्किल्स और आपके जो दौरे हाजिर के जदीद तकाजे हैं उनसे हम मांग ना होने की वजह से सिर्फ 6,000 अफराद वो नौकरियां हासिल करने में कामयाब होते हैं पाकिस्तान में, जबकि दुनिया भर में 6 लाख डिमांड है हर साल आईटी एक्सपर्ट की। तो जो बाकी कोई 19,000 हमारा कीमती पोटेंशियल ज़ाया हो जाता है,
इस सिस्टम के जरिए हम उनकी डिजिटल स्किल डेवलपमेंट और लिटरेसी अपडेटिंग करेंगे ताकि वो बैरूने मुल्क और पाकिस्तान के अंदर अपनी बेहतरीन जो खिदमात हैं वो अंजाम दे सके और पाकिस्तान की तमीर और तरक्की में किरदार अदा करें। पांचवा इसका पिलर जो है नए पाकिस्तान का, डिजिटल पाकिस्तान का, वो इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप है कि आपका वो गला सड़ा निज़ाम जो 72 साल से आप उसी स्टेटस को उसके बेनिफिशरी बन के सपोर्ट कर रहे थे, अब वो इनोवेशन के साथ जुड़ा यूथ को एंगेज करके वो तमाम बेस्ट पॉसिबल ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, आपकी वुमेन एम्पावरमेंट, आपकी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अंदर टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े वो तमाम इनिशिएटिव, और सबसे अहम जो आपका कॉटेज इंडस्ट्री है, एसएमईज हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन के छोटे कारोबारी जो हमारे नौजवान हैं उनको खुशहाल और बाख्तियार और फाल बनाने में ये प्रोग्राम मावन साबित होगा। दूसरा, आज बहुत अहम मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर साहब के ज़ेरे सदारत हुई, वो आपकी प्राइस कंट्रोल मैकेनिज्म जो है आम ज़रूरत की अशिया उस पे जो कीमतों के हवाले से हर सूबे में एक डिस्पैरिटी थी, अदम तवाज़न था, उसको आज चारों सूबों की चीफ सेक्रेटरीज और मुतलका मिनिस्ट्रीज ने प्राइम मिनिस्टर साहब को जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं आटा चावल चीनी घी दालें उनकी कीमतों के हवाले से अपराइज किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जो है उसे फेडरल गवर्नमेंट लेवल पे बनाने का की हिदायत जारी की ताकि एक यूनिफॉर्म मैकेनिज्म और वो चीज़ों की कीमतें, अशियाए ज़रूरत की जो कीमतें हैं उसमें यूनिफॉर्मिटी लाई जा सके, और तमाम सूबाई हुकूमतों ने अपने अपने वो इकदाम जो है उनसे हुकूमत को आगाह किया। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने मिनिस्टर हमारे प्लानिंग, मिनिस्टर फूड एंड एग्रीकल्चर और मिनिस्टर कॉमर्स पर मुश्तमिल कमेटी बनाई जो पाकिस्तान की डिमांड सप्लाई के हवाले से एक डाटा बैंक बनाएगी, क्योंकि क्राइसिस उस वक्त आता है, कीमतें उस वक्त बढ़ती हैं जब डिमांड बढ़ जाए और पीछे सप्लाई लाइन जो है वो मीट ना करे, तो ये स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स के तौर पे सूबाई हुकूमतें ऐसी अशिया जिनका इस्तेमाल बढ़ रहा होगा उसके पीछे सप्लाई को वक्त से पहले इंश्योर करेंगी ताकि ज़हीरा अंदोज मुनाफा खोर जो है वो इससे फ़ायदा ना उठा सके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने सबसे अहम जो फार्मर मार्केटों का इनिशिएटिव है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फाल और उसको फैलाने की ज़रूरत पे जोर दिया है, और इसके साथ जो मिलावट है उन्होंने मिनिस्टर एग्रीकल्चर की ये जिम्मेदारी लगाई है कि अगली मीटिंग में वो ये देखें कि दूध के अंदर मिलावट जो हो रही है, आपकी खाने पीने की अशिया और खसूसन लाइफ स्टॉक के अंदर जिस तरह बताया गया कि ऐसा मैकेनिज्म है कि वो भैंस और गाय से दूध ज़्यादा हासिल करने के लिए इंजेक्शंस का इस्तेमाल और बहुत सारी ऐसी जो कीड़े मार दवाइयाँ हों या आपका जनास और अद्वियात जो इंसानी इस्तेमाल में है उनके हवाले से भी जो मिलावट है वो एक मैकेनिज्म लाएं, और इस हवाले से अगर सूबाई हुकूमतों को कवानीन में तब्दीली करनी पड़ती है तो वो करें ताकि आवाम को
उनकी सेहत के साथ खेलने वाले अनासर जो हैं और वो माफिया जो है उसकी सरकोबी की जाए और आवाम को रिलीफ दिया जाए। टूरिज्म के हवाले से एक बहुत अहम इनिशिएटिव आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने लिया, जिसमें पंजाब और केपीके के चीफ मिनिस्टर्स ने रिलीजियस टूरिज्म, हेल्थ टूरिज्म और ओवरऑल जो पाकिस्तान के नॉर्थ में पोटेंशियल है टूरिज्म का, उसको दुनिया में मार्केट करने के लिए जो हमारे इंचार्ज हैं टास्क फोर्स को हेड भी कर रहे हैं जुल्फी बुखारी साहब टूरिज्म को, उन्होंने बताया कि वो D8 ममालिक की कॉन्फ्रेंस जिसमें तुर्की, मलाइशिया, सिंगापुर और दीगर ममालिक शामिल हैं, उनको पाकिस्तान बुला के उनकी जो टूरिज्म इंडस्ट्री से वो किस तरह रेवेन्यू इकट्ठा कर रहे हैं और फिर जॉब दे रहे हैं। ये दो इनिशिएटिव, एक टूरिज्म को जब आप प्रमोट करते हैं तो एक तो आपको रेवेन्यू आता है, दूसरा आपको जॉब्स क्रिएट होती हैं, तो आपकी मल्टीपल इंडस्ट्री मोबिलाइज होती है, तो उसके लिए एक इफेक्टिव हिकमत अमली जो है वो सामने लाएं। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने खसूसी तौर पे वो रेस्ट हाउस जो सरकार के हैं और सरकार का पैसा जो अवाम के टैक्स पेयर का पैसा है उन की रेनोवेशन पे खर्च हो रहा है उसके हवाले से हदायत दी और उनको फिल फॉर प्राइवेटाइज करके या लीज पे दे के या उस पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जरिए उन कीमती प्रॉपर्टीज को अवाम के मुफाद में इस्तेमाल करने का लायमल बनाने की हदायत जारी की। आज कंस्ट्रक्शन के हवाले से कहाँ मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने चेयर की, जिसमें आज ऐसे फैसले हुए जिससे हम पूरी उम्मीद है कि जब कंस्ट्रक्शन का पहिया पाकिस्तान में चलता है तो उसके साथ 22 इंडस्ट्रीज जो हैं वो मोबिलाइज होती हैं। इसमें जो आम फैसले हाउसिंग सेक्टर के अंदर किए गए, प्राइम मिनिस्टर ने कम आमदनी वाले अफराद को अपनी जो जाती छत है उसकी फराहमी को यकीनी बनाने के लिए नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी को जो हदायत जारी की हैं उसमें प्राइम मिनिस्टर को ये बताया गया कि जो हमारा तामीरात का शोबा है उसके ऊपर जो है वो सेल टैक्स लगा है। प्राइम मिनिस्टर ने फिल फॉर FBR को हदायत दी कि इस तामीरात के शोबे के फरोग के लिए जो टैक्स आपने कंस्ट्रक्शन के इंडस्ट्री पे लगाया उसको हटा दिया जाए और उसके लिए एक मैकेनिज्म बनाया जाए ताकि वो सेल टैक्स के हटने से मकानात की तमीर के रास्ते में जो हाइल रुकावटें हैं वो दूर हों। इसमें उन्होंने सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में इस फैसले के फिल फॉर नफाज की मंजूरी दी। जो घरों की तमीर के ऊपर यानी तमीर शुदा घर की फरोख्त के मरहले पे जो फिक्स टैक्स के नफाज की भी आज प्राइम मिनिस्टर ने मंजूरी दी और इस हवाले से सूबाई हुकूमतों के साथ इत्तफाक हो चुका है ऑलरेडी, और इससे जो है वो नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम के तहत जो घर बनेंगे वो इस फिक्स टैक्स से मुस्तस्ना होंगे। इसके अलावा जो इजलास को बताया गया कि कैपिटल वैल्यू टैक्स की शरह को कम करने के हवाले से भी इकदाम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में फौजरी को, दो नंबरी को और एक दूसरे की घर और प्रॉपर्टी और ज़मीनों पे कब्जे को रोकने के लिए ई स्टाम्प पेपर्स जो हैं उसका इजरा किया जा रहा है और उस ई स्टाम्प पेपर के इजरा से अल्टीमेटली हमें ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने में मदद मिलेगी और हकदार तक उसका हक पहुंचेगा और कोई उस हक को छीनने में
कोई कोशिश भी करे तो कामयाब नहीं होगा। इसके अलावा ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल का क्याम जो है वो अमल में लाया जा रहा है, और ये ऑनलाइन डिजिटल पोर्टल जो होगा वो ये हाउसिंग सेक्टर को और प्रॉपर्टी और रियल स्टेट को एक कंप्रीहेंसिव मैकेनिज्म के ज़रिए एम्पावर करेगा। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने हाउसिंग सेक्टर के अंदर ये तमाम जो आज फैसलों की मंजूरी दी है, ये कंस्ट्रक्शन एसोसिएशन, रियल स्टेट प्रॉपर्टी डीलर जो है और उनकी मुख्तलिफ जो तंजीमें हैं वो प्राइम मिनिस्टर से चूँकि मिलती रही और उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, जिसको प्राइम मिनिस्टर ने सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए आज वाजिया स्ट्रेटजी का ऐलान किया है। इसके अलावा चूँकि इलेक्शन कमीशन के अंदर एक चल रहा है मीडिया में, हमारे वासराय हिंद के साथ जिनका ताल्लुक और रिश्ता रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान में सियासत करने आते हैं, कारोबार करना हो तो तब भी उन्हें बाहर जाना होता है क्योंकि उनके बच्चे भी बाहर हैं, और इलाज कराना हो तब भी बाहर जाना होता है। और ये माशाल्लाह से अनोखी एक नई रवायत और भी जन्म ले रही है कि अब वासराय हिंद ज़िले सुबहानी शहनशाह आलम मीटिंग्स के लिए भी अपने हम नवाओं को वो बाहर बुला के तो मीटिंग्स कर रहे हैं। तो जो अभी जहाज में है वो चूँकि कंसेंसस हुआ है कि मंगल को हमारी जो पार्लिमानी कमेटी है जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से फैसले करेगी, उसमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर और हमारे दोनों जो मेंबरान हैं उनके हवाले से मीटिंग होगी और देखते हैं कि वो वहाँ से क्या चूर्ण लेके आते हैं जिसको उन्होंने आके बेचना है। हमारी तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से, बाबर फतेह यकूब साहब, आरफ अहमद खान साहब और फजल अब्बास मेकन साहब जो हैं, ये तीन नाम जो हैं वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने दे दिए हैं। तो उम्मीद है कि अपोजिशन और हुकूमत मिलके इस किसी एक नाम पे मुत्तफिक हो के इस अदारे के अंदर जो है वो फिलफौर ये तैनाती को यकीनी बना के और जो एक प्रोसेस है, एक लीगल कोर्स ऑफ एक्शन है, उसको आगे बढ़ाएगी। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी।